दत्त जयंती महोत्सव के पहले मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी को तीर्थ स्नान का कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रभु मंदिर को धोकर सारी स्वच्छता की जाती है और गर्भगृह को पानी से भर दिया जाता है। जल से भरे हुए प्रभु मंदिर के गर्भगृह को एक तीर्थ कुंड का रूप प्राप्त हो जाता है। प्रभु समाधि के स्पर्श से वह जल गंगा के समान अत्यंत पवित्र बन जाता है। उस दिन दोपहर के 3 बजे श्रीजी प्रभु मंदिर में आकर रुद्र मंत्र के घोष के बीच तीर्थ स्नान संपन्न करते हैं। भक्तजनों की ऐसी मान्यता है कि तीर्थ स्नान के पर्व पर श्री समाधि के दिव्य स्पर्श से गर्भगृह के उस जल में विलक्षण ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसमें स्नान करने से हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों का शमन होता है। मार्गशीर्ष मास की उस कड़कड़ाती ठंड में भी ठिठुरते हुए भक्तजन जब प्रभु के वात्सल्यमय स्पर्श से तपे हुए तीर्थ में डुबकी लगाते हैं, तब सारी ठंड क्षण में गायब हो जाती है। तीर्थ स्नान के बाद मन को जो शांति मिलती है और जो समाधान प्राप्त होता है वह अद्भुत है। इस वर्ष 1 दिसंबर के दिन तीर्थ स्नान का कार्यक्रम संपन्न होगा। जिन भक्तजनों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की इच्छा हो, वे 1 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे तक प्रभु मंदिर में उपस्थित रहें। जय गुरु माणिक।